लोकसभा चुनाव के पहले फेज की वोटिंग शुरू हो गई है। देश में कई ऐसे वोटर होंगे जो पहली बार वोट डाल रहे हैं। लोग वोटर लिस्ट में अपने नाम के आने का इंतजार भी कर रहे होंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि घर बैठे ही आप वोटर लिस्ट में अपना नाम चेक कर सकते हैं। इसके लिए आपको सिर्फ स्मार्टफोन और ओटीपी के लिए जिस नंबर से आपने रजिस्ट्रेशन किया होगा उस सिम कार्ड की जरूरत पड़ेगी। 19 अप्रैल से पहले फेज की वोटिंग 21 राज्यों के 102 लोकसभा सीटों पर आयोजित की जा रही है। पहले चरण में 1625 प्रत्याशी चुनावी रण में जीत का पताका लहराने के लिए उतरे हैं। हालांकि जीत का झंडा कौन लहराएगा इसके लिए 4 जून का इंतजार करना होगा। तो आइए जानते हैं कि वोटर लिस्ट में अपना नाम कैसे चेक करें। वोटर लिस्ट में अपना नाम चेक करने के लिए सबसे पहले electoralsearch.eci.gov.in वेबसाइट पर जाएं। यहां आपके पास 3 ऑप्शंस आएंगे, एक सर्च बाय ईपीआई, दूसरा है सर्च बाय डिटेल्स और तीसरा है सर्च बाय मोबाइल। इनमें से किसी एक पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद जो जानकारी आपसे मांगी जा रही है वो साझा करें। अब आपके स्क्रीन पर आपके नाम से जुड़ी सभी जानकारी सामने आ जाएंगी। आपको किस तारीख को कहां वोट करना है ये सभी जानकारी लिस्ट में मिल जाएंगी। जानकारी के लिए बता दें कि घर बैठे आप अपना वोटर आईडी कार्ड भी हासिल कर सकते हैं। वोट देने के लिए वोटर आईडी कार्ड होना काफी जरूरी है। वोटिंग के समय ये आपका आईडी प्रूफ जैसा होता है। वहीं सरकार वोटर आईडी कार्ड की सुविधा ऑनलाइन भी दे रही है। सबसे पहले आप वेबसाइट voters.eci.gov.in पर जाएं। अब आप यहां से जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करें। इसके लिए आपको कुछ पर्सनल जानकारी साझा करनी होगी। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप लॉगिन कर लें। साइट खुलते ही आपके सामने ईपीआईसी डाउनलोड का ऑप्शन आएगा। इस पर क्लिक करने पर ईपीआईसी नंबर या फिर फॉर्म रेफरेंस नंबर में से किसी एक को सेलेक्ट करें। ईपीआईसी नंबर दर्ज करने के बाद अपना स्टेट और लैंग्वेज चुनें और फिर सर्च बटन पर क्लिक करें। दरअसल अपना वोट डालने के लिए किसी भी वोटर को पोलिंग बूथ पर आइडेंटिटी प्रूफ ले जाना होगा। हालांकि अगर आपके पास वोटर आईडी कार्ड नहीं है तो ऐसे कई डॉक्यूमेंट्स हैं जिन्हें दिखाकर आप वोट डाल सकते हैं। कोई वोटर वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट फोटोग्राफ के साथ बैंक या पोस्ट ऑफिस का पासबुक, फोटो के साथ पेंशन डॉक्यूमेंट, मनरेगा जॉब कार्ड, एनपीआर के तहत आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, तस्वीर लगी सर्विस आइडेंटिटी कार्ड दिखाकर वोट डाल सकते हैं।